नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं एडवोकेट स्वीकार। और पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, हमारे चैनल ने 1,00,000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए हैं। और उस बधाई के बाद आज एक बात और आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं। टेलीविजन पे जो आप लोग देख रहे हो दिन रात के, जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। जी टीवी, आज तक और CNN, BBC, कहीं पे भी देखोगे तो वहां पता चल रहा है कि हमारी जो सरकार है वो जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारी सिक्योरिटी फोर्सेस को भेज रही है। 27 तारीख को भेजना शुरू किया था और आज 3 अगस्त को भी, जो टेलीविजन पे आप खबर देख रहे हो तो वहां पर आपको पता चलेगा कि और भी बहुत सारे ट्रूप्स भेजे जा रहे हैं वहां पर। इतने सारे सिक्योरिटी फोर्सेस भेजे जा रहे हैं और सोशल मीडिया पे तो पता नहीं क्या कुछ लोग लिख रहे हैं, कह रहे हैं कुछ बहुत बड़ा होने वाला है 15 अगस्त से पहले। क्या होने वाला है बहुत बड़ा 15 अगस्त से पहले? तो 15 अगस्त से पहले क्या वहां पर कोई, आप लोगों को ऐसा, सरकार को ऐसा लगता है कि कोई आतंकी हमला होने वाला है, उसकी तैयारी में इतनी सारी सेना वहां पर तैनात कर दी? क्या वहां पर परिसीमन की तैयारी है? परिसीमन जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने देखा भी होगा। परिसीमन यानी कि वहां पर जम्मू कश्मीर की जो सीटें हैं उनको बढ़ाने की बात चल रही है। कुछ सीटें जम्मू की बढ़ा दी जाए जिससे कि वहां पर सरकार जो है वो जम्मू का चीफ मिनिस्टर, कश्मीर से चीफ मिनिस्टर ना बनके जम्मू से चीफ मिनिस्टर। क्या वहां पे परिसीमन की तैयारी हो रही है? क्या वहां जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 को हटाने का बात चल रही है? 15 अगस्त से पहले क्या धारा 370 हट जाएगी? क्या वहां पे धारा आर्टिकल जो 35A है, अनुच्छेद 35A है, क्या उसको हटाने की बात चल रही है? बहुत सारे कयास चल रहे हैं और क्या होने जा रहा है ये क्लियर नहीं है। अभी तक सरकार ने एक भी बयान में, एक भी विज्ञप्ति में ये बात नहीं कही कि होने क्या जा रहा है। तो मैं भी एक वकील हूं और जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे पहले बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं, परिसीमन पे भी बना चुका हूं, क्या है कश्मीर मुद्दा इस पे भी बना चुका हूं, धारा 370 कानूनी तौर पे कैसे हटेगी ये सब कुछ बना चुका हूं। और आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि होने क्या जा रहा है 15 अगस्त से पहले। चांसेस आर देयर कि बहुत प्रबल संभावना है कि आर्टिकल 35A को वहां से हटाया जा रहा है। क्या आर्टिकल 35A कानूनी तौर पे इतनी आसानी से हट जाएगी? क्योंकि महबूबा मुफ्ती के, उमर अब्दुल्ला के, फारूक अब्दुल्ला के, इन लोगों के जो बयान आ रहे हैं कि अगर आपने 35A के साथ छेड़छाड़ की तो कानून में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये कानूनी रूप से ठीक नहीं है। तो मैं एक वकील होने के नाते कुछ अपने अध्ययन के आधार पर आप लोगों के सामने बात रखूंगा कि होने क्या जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि 15 अगस्त से पहले पहले अमित शाह जी जो हैं वो 35A को हटा देंगे, ऐसी संभावना लग रही है, लेकिन सरकार ने अभी तक नहीं कहा। क्या ये हट सकती है और है क्या 35A? पहले तो आप लोग समझ लीजिए, 35A एक ऐसी चीज है जो जम्मू कश्मीर के नागरिकों को एक स्पेशल अधिकार देती है, वहां के लोगों को कुछ स्पेशल अधिकार देती है। वो स्पेशल राइट्स क्या हैं वहां के लोगों को स्पेशल राइट? पहली बात तो ये जो है 1954 के अंदर धारा 370 के अंदर इसको भाग बना दिया गया था 35A को। 35A जम्मू कश्मीर का जब हमारे देश में विलय हुआ था तो तब की नहीं है, 35A तो आई उसके बाद 1954 के अंदर, और इसको 370 का एक भाग बना दिया गया। 35A जो है वो राष्ट्रपति के ऑर्डर के जरिए एक अपेंडिक्स लाया गया था, उस अपेंडिक्स के जरिए, ये संशोधन के जरिए नहीं, राष्ट्रपति का एक अपेंडिक्स लगा था उसके जरिए हमारे उसमें 370 के अंदर इसको ऐड कर दिया गया। इससे हो क्या रहा है, 35A से पूरे देश को क्या नुकसान हो रहा है और जम्मू कश्मीर के जो परमानेंट रेजिडेंट है उनको क्या फायदा हो रहा है? मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं जो आतंकवाद फैल रहा है उसका सबसे बड़ा कारण ये है 35A। 35A की वजह से होता क्या है कि बाहर पूरे देश का कोई भी किसी और राज्य का नागरिक जम्मू कश्मीर में जाके प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। अगर जम्मू कश्मीर की कोई बेटी किसी और राज्य के बेटे से शादी कर लेती है, किसी और राज्य के लड़के से शादी कर लेती है, तो उसके परमानेंट रेजिडेंट वाले जितने भी राइट हैं वो सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं। कोई और राज्य का इंसान जम्मू कश्मीर में जाकर, वहां का किसी और राज्य का रेजिडेंट जम्मू कश्मीर में जाके कोई सरकारी नौकरी नहीं पा सकता, ये भी 35A के अंदर सिफारिशें की गई हैं। किसी और राज्य के बच्चे जम्मू कश्मीर में जाके स्कॉलरशिप नहीं पा सकते, जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ किसी और राज्य के लोगों को नहीं मिलेगा। परमानेंट रेजिडेंट वो किसको बोल रहे हैं? परमानेंट रेजिडेंट वो उसको बोल रहे हैं जो वहां पर 14 मई 1954 से रह रहा है या उससे 10 साल पहले से रह रहा है, जो
वहां का परमानेंट रेजिडेंट है उसको वो ये मान रहे हैं। तो परमानेंट रेजिडेंट को ये सारी सुविधाएं दे दी गई। तो अब इससे हुआ क्या कि पूरे का पूरा देश अलग है और जम्मू कश्मीर के लोगों को अलग से रियायतें दे दी गई। तो वहां पर जो इंडस्ट्रीज यहां लगती हैं, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगती है, वो वहां लगती नहीं। वहां के लोग हो जाते हैं बेरोजगार जम्मू कश्मीर के, और वहां धारा 370 की वजह से पहले ही उन लोगों को, धारा 370 और 35A की वजह से उन लोगों को कश्मीर के अंदर जो आप लोग बनस्पति चावल इतने महंगे खरीदते हो उन लोगों को बहुत सस्ते मिलते हैं, और उन लोगों को और भी बिजली बहुत सस्ती मिलती है कश्मीर के अंदर, और बहुत सारी रियायतें मिलती है। तो वहां के बच्चों को रोजगार तो मिल नहीं पाता, रोजगार ना मिलने की वजह से वो पत्थरबाजी करते हैं, आतंकी संगठनों के अंदर जुड़ जाते हैं। तो वहां पर जो आतंकवाद का सबसे बड़ा कारण है वो ये 35A ना हटाना। सबसे पहले 35A हटेगी तो 370 हटेगी। तो 35A के ऊपर जो विवाद है, 35A को बोलते हैं कि ये इसके ऊपर विवाद क्या है कि क्यों नहीं हटाई गई अभी तक। इसके ऊपर जो बहस चल रही है वो ये कहते हैं कि 35A जो आई थी ये संशोधन के जरिए नहीं आई, राष्ट्रपति को तो अधिकार ही नहीं है, तो राष्ट्रपति ने कैसे कर दिया इसको, क्योंकि संशोधन करना तो संसद का काम है, लेकिन फिर भी ये अपेंडिक्स के जरिए आ गई। अगर आ गई तो अब इसको भी राष्ट्रपति के ऑर्डर के जरिए इसको हटाया जा सकता है, कानून के जानकार ऐसा मानते हैं। लेकिन जो पीडीपी की सरकार रही है पहले, और पीडीपी के लोग ऐसा मानते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग ऐसा मानते हैं कि अगर इसको हटा दिया तो ये कानून की बहुत बड़ी अवहेलना हो जाएगी। लेकिन कानून के नाते अगर इसको देखा जाए, क्योंकि 1968 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस फाइल हुआ था, 1968 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जो केस फाइल हुआ था उसके ऊपर चैलेंज किया गया था क्या राष्ट्रपति जो है वो 370 के ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। तो उस फैसले के अंदर कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि 370 के तहत राष्ट्रपति अपने ऑर्डर कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति के ऑर्डर के थ्रू ही 35A आया था, और उसके अंदर बहुत सारी बातें साफ नहीं थी। लेकिन अब जो कानून के जानकार इस बात को मानते हैं, पूरे देश के अंदर जो चर्चा चल रही है कि 35A को कानूनी तरीके से राष्ट्रपति के ऑर्डर के जरिए उसको हटाया जा सकता है, जिसको हटाने के बाद पूरे देश का रास्ता जम्मू कश्मीर के लिए खुल जाएगा। और जम्मू कश्मीर दुनिया में जैसे स्विट्जरलैंड इतना मशहूर है, ऐसे ही जम्मू कश्मीर एक स्विट्जरलैंड भारत के पास भी होगा, जहां पर पूरा देश आजादी से जा सकता है। और बड़ी जोरों शोरों से वहां पर सेना भेजी गई है, पूरे देश में हर जगह हर इंसान की इस वक्त नजर जो है जम्मू कश्मीर पे क्या हो रहा है। तो ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी था, लेकिन कुछ विवाद ऐसे भी हैं जिसके अंदर वो बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर ये धारा 35A हटा दिया, आपने अनुच्छेद 35A को अगर हटा दिया, तो राष्ट्रपति के 41 ऑर्डर और हैं वहां पे, उनको भी हटाना पड़ेगा, जिनमें से एक ऑर्डर ये बोलता है कि जम्मू कश्मीर का जो नागरिक है वो पूरे भारत का नागरिक है। तो क्या आप 35A को हटाने से ये भी बोलोगे कि जम्मू कश्मीर के जो नागरिक है वो भारत के नागरिक नहीं है? तो बहुत सारे विवाद है, लेकिन हमें उम्मीद है कि इस वक्त जो सरकार सत्ता में बैठी है बड़ी ताकतवर सरकार है, और उनके पास पूरी मेजॉरिटी है, और बड़े सारे लोगों की समझ बूझ सोच उनके पास है, और डिसीजन लेने वाली सरकार है। तो हमारी गुड विशेज उनके साथ है, जो हो लोगों के भले में हो, देश के भले में हो। और आप लोगों की क्या राय है, क्या 15 अगस्त से पहले 35A हट जानी चाहिए कि नहीं हट जानी चाहिए, प्लीज नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। भगवान आप सबका भला करे। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, हर हफ्ते एक लीगल वीडियो बनाता हूं। आपने वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।